इवनिंग चिल्ड्रेन, तो आज हम हिंदी क्लास में एक नया लेसन पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी जो आपको अपने हिंदी कॉपी में लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम रीड करेंगे। पेज नंबर 67 निकालो सभी। आज हम करने वाले चंद्र बिंदु, आज हम करेंगे चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु नया लेसन है आप लोग का, चंद्रबिंदु, ठीक है? चंद्रबिंदु का सिंबल क्या है? ये चंद्रबिंदु का इस तरह से लिखते हैं, हाँ, चंद्रबिंदु का इस तरह से देते हैं। चंद्रबिंदु का हम प्रयोग कब करते हैं? चंद्रबिंदु का प्रयोग जिस शब्द में आ की मात्रा होगा और बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा होगा उसी में हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे कि आख, आख, मैं रीड भी कर रही हूँ एक साथ, तो आपको रीड भी करना है। जैसे कि आख, 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 आम, आख में आ की मात्रा है कि नहीं, इसलिए हमने आ के ऊपर में क्या दिया, चंद्रबिंदु दिया है। चा, चो में आ की मात्रा चांद, चांद, चांद के आ की मात्रा के ऊपर हमने चंद्रबिंदु दिया हुआ है। ग, ग में आ की मात्रा गाँव, गाँव, गाँव में भी चंद्रबिंदु है। हंसना, हंसना में भी नौ में आ की मात्रा, फसना, फसना में नौ में आ की मात्रा, थसना, थसना में नौ में आ की मात्रा, तापना, तापना में तौ में आ की मात्रा, मांगना, मांगना में मो में आ की मात्रा, हाफना, हाफना में ह में आ की मात्रा, ना में आ की नौ में आ की मात्रा, आचल, आचल में अ में आ की मात्रा, आगन, आगन में अ में आ की मात्रा, आ, सार, सावर, सावर में सौ में आ की मात्रा सा, पाव, एक है पाव, फिर पाव, सास, सास, पूछ, पूछ, कहा, कहा। तो ये है हमारा चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हुए एक लेसन है सांप और चीरा। तो मैं आपको ये लेसन आज रीड कराऊंगी, आपको भी मेरे साथ रीड करना है, ठीक है? नदी किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर चिड़िया और चीरा रहते थे, उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया, उसने घोंसले पे झांका, वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चीरा चिड़िया वहां आ गए। सांप वहां से भाग गया। अब चिड़िया और चीरा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। चीरे ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज रानी साजी और उसकी सखियां नहाने आती थी। चीरा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी साजी का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। रानी साजी और उसकी सखियां नहाकर निकली। रानी ने यहां वहां देखा, उसे हार दिखा नहीं दिया। उसने सिपाही से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया, यहाँ पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुंचे। वहां हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। वे उसे एक सपेरे को दे आए। उधर चिड़िया और चीरा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चू चू चीं चीं करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चीरा और चिड़िया खुश होते, ठीक है? ये था हमारा सांप और चीरा वाला लेसन जो मैंने आज रीड किया। इसी तरह से आपको अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके और मेरा वीडियो देखो, फिर अच्छी तरह से रीड करना, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को समझाऊंगी। आज मैंने सिर्फ रीड किया क्योंकि आज आपको पढ़ना है। फिर आप क्या करोगे, अपने हिंदी कॉपी निकालोगे। हिंदी कॉपी में जो है ये कविता है ना, कविता खिलौने वाला, पेज नंबर 62 खिलौने वाला, इस कविता को अपने बुक में लिखना, सॉरी, इस कविता को आपको अपने हिंदी कॉपी में लिखना है, ठीक है?
हिंदी कॉपी में आपको क्या लिखना है, हिंदी कॉपी में कविता खिलौने वाला अपने हिंदी कॉपी में अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि आपको अच्छे अक्षरों में कविता खिलौने वाला, कविता खिलौने वाला को अपने हिंदी कॉपी में अच्छे अक्षरों में लिखना है, और जो जो कहानी मैंने आज रीड किया उसको आपको रीड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।